कि मैं आपको अपनी गाड़ी का बैक गियर डाल के आपको दिखाऊंगी भाई मेरी गाड़ी में भी हो रहा है। सारी गाड़ियां बैक गियर में होपिंग कर रही है, इतनी किलस नहीं चाहिए ठीक है। और जिसका 6.5 लाख फॉलोअर हो, जिसके एकदम से रात को रील डली हो, जिसके 4 करोड़ तो भाई 13 घंटे में व्यू आ गए, वो दूसरी गाड़ी थोड़ा लेके आएंगे बैक गियर डाल के दिखाएंगे कि भाई ना ऐसा नहीं हो रहा, ये ना हो रहा, वो ना हो रहा, तो इंजन बोल जाएगा या उसका गियर बक्सा बोल जाएगा। मतलब अरुण के ऐप में से भाई मेरी गाड़ी भी निकली है फॉर्च्यूनर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है आपका एक और बढ़िया सी वीडियो में। भाई आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, वो क्यों? क्योंकि भाई देखो गैरेज वगैरह तो आप देखते ही हो, यहाँ पे भाई स्कॉर्पियो हो रही है, वहाँ भाई गेटअवे तैयार खड़ी है, बाकी ब्लैक स्कॉर्पियो और दोनों ब्लैक स्कॉर्पियो का क्या अपडेट है वो मैं भी आपको देता हूँ। बाकी ये देखो, ये भाई हमने बॉडी इसके अंदर डाली है, देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश नई बॉडी है ठीक है। ये स्कॉर्पियो की हुई है, मतलब इसमें कन्वर्जन नहीं, ये बॉडी भी जो इसकी है वो हमने चेंज करी है, और कागजो वाली जो प्रॉपर आरसी कैंसल बॉडी होती है ना वो खरीद के हम लेके आए थे, वो काम चल रहा है इस पे। चलो ये तो चलता रहेगा अपनी वर्कशॉप पे डेली। लेकिन 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 भाई आज का जो व्लॉग है ना वो मतलब ऐसा है कि थोड़ा अलग है। देखो मैंने आज काफी चीजें रुकी हुई थी हमारी, बात करनी थी, मैं क्या कर लेते हैं। देखो अभी जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेज होती है। मेरा ना एक बार क्या हुआ था, इंस्टाग्राम का लॉग आउट हो गया था। मतलब मेरे पास एक फोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है ठीक है, एक मेरे पास ये है, मेरे पास 8-10 फोन है, मैं 8-10 रखता हूँ। मेरा सब शौक तो हमने बहुत पहले से करते आ रहे हैं, छोड़ो मैं इतना शोशा वाले बंदे नहीं हम, लेकिन मेरे फोन से ना ये लॉग आउट हो गया एकदम से, मेरा डी मैकेनिक वाला, वो तो मेरी फट गया 36। मैं कहा ये क्या हो गया भाई, ये अपना मतलब कैसे हो गया, मतलब फॉलोअर भी कितने, मतलब 80-82 हज़ार होंगे भाई। वो हो गया होते ही ना फिर मैंने जल्दी से मैंने घर फोन मारा, मैं कहा एक बार वो दूसरे उससे लॉग इन कर रहा हूँ, उसको यस दबा देना उस पर जब आएगा, 2-फैक्टर वेरीफिकेशन वगैरह सब कुछ होती है, वो कर रखी थी भाई। 5 मिनट के लिए ना मेरी इतनी फट गई थी कि मतलब फट के 36 हज़ार हो गई थी ठीक है। तो अब बात आपको पता है किसकी कर रहे होंगे हम, मेरे ख्याल थंबनेल में बताया, पता नहीं उसमें भी डाला नहीं डाला मैंने टाइटल में। तो भाई यही है कि जैसे इंस्टाग्राम का ना मेन होता है कि इंस्टाग्राम से हमने आपसे कनेक्टेड रहना है, यूट्यूब से भी आपसे कनेक्टेड रहना है, तो हर एक प्लेटफॉर्म को हम बहुत मुश्किल से चलाते हैं, हर एक चीज़ को, मतलब अपने काम को भी कैरी फॉरवर्ड करना है और फिर इन चीज़ों को भी, मतलब आपसे जुड़कर भी मिलकर भी चलना है, तो वो चीज़ थी। अब भाई अरुण भाई का एक चैनल, आपको पता है अरुण भाई का इंस्टाग्राम का पेज उड़ गया भाई। उसमें क्या था कि रॉक्स जो है, अब भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आपको अपनी गाड़ी का बैक गियर डाल के आपको दिखाऊंगी भाई मेरी गाड़ी में भी हो रहा है या नहीं हो रहा, पर मैं आपको नॉर्मली बात करूंगा। मेरे को उस चीज़ से प्रैक्टिकली चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपली ये बताता हूँ कि किसी भी बंदे का कोई राइट नहीं बनता हमारा पेज उड़वाने का। ये सबसे तगड़ा मतलब ड्रॉबैक है हमारी कम्युनिटी का कि भाई मतलब यूट्यूब तो बहुत सेफ है इस मामले में, यूट्यूब तो बहुत सही है, चलो हाँ वो भी बड़े लेवल पे हैक वैक हो जाते हैं सब कुछ होता है, लेकिन इसमें हमने बहुत सेफ्टी बना रखी है हर चीज़ में, उसमें भी इंस्टाग्राम में भी भाई, जब इतने बड़े क्रिएटर होते हैं ना तो 2-फैक्टर वेरीफिकेशन अच्छे खासे जो वो उस्ताद जी 2 मिनट अच्छे खासे जो चीज़ें होती हैं वो सारी रोक के रखते हैं, मतलब जैसे हैवी जो पासवर्ड होते हैं सब कुछ करते हैं। लेकिन भाई उसके बाद भी अगर ऐसे बंद हो जाए तो सोचो क्या बीतेगी। मेरी 5 मिनट के लिए बंद हुआ था तब मेरी ऐसी हो गई थी, और जिसका 6.5 लाख फॉलोअर हो, जिसके एकदम से रात को रील डली हो, जिसके 4 करोड़ तो भाई 13 घंटे में व्यू आ गए, 4 करोड़ मायने रखते हैं भाई ठीक है, तो मतलब ये लगा लो कि उस पर क्या बीती होगी। तो भाई मैं मेरा क्या सीन था, जैसे मैं दिवाली देने गया अपने सारे दोस्तों के घर, फिर उसके बाद मैं अरुण भाई के पास भी गया था दिवाली देने, तो यार एक होता ना मूड जो दिवाली वाला होता है वो तो पूरा स्पॉइल हो गया ना उस इंसान का, गाड़ी ने भी धोखा दिया, इंस्टाग्राम ने भी धोखा दे दिया। अब भाई आप बताओ आप किसे सपोर्ट करते हो, मैं तो भाई प्रॉपर और दिल से भाई इस चीज में अरुण भाई को सपोर्ट करता हूँ। रही बात गाड़ी की, तो भाई सारी गाड़ियां बैक गियर में होपिंग कर रही है, लेकिन किसी भी गाड़ी में आप बता दो। तो भाई फोन एक तो फुल हो गया, दूसरे फोन को चालू कर लेते हैं, एक बार इसको साफ कर लिया जाए। तो भाई इसको चालू कर लिया, दूसरे फोन को वाला फोन ही मेरा फुल हो गया, स्टोरेज फुल हो गई, ये सीन चलता रहता है। चलो छोड़ो भाई, बात कर रहा था गाड़ी बैक गियर में इतनी होपिंग थोड़ा करेगी कि भाई बोल जाएगी, मतलब या तो इंजन बोल जाएगा या उसका गियर बक्सा बोल जाएगा, मतलब बैक गियर डालने से किसी गाड़ी का ऐसा काम हो जाएगा क्या? चाहे मैं कह रहा हूँ जितनी मर्जी स्पीड पे उठाए भाई, 20-22 लाख 25 लाख जो भी खर्च के बंदा गाड़ी देता है, उसके बाद उसको वो कुछ मर्जी करे, लेकिन ऐसे धोखा तो नहीं देना चाहिए ना। चलो जो भी था प्रैक्टिकली, जिन्होंने मैं उनसे भी थोड़ा नाराजगी रखता ही हूँ भाई, देखो जो सौ बात होगी, एक बात जिसने मुद्दा उठाया उन्होंने खुद वीडियो बैकआउट कर ली, मतलब उन्होंने हटा दी, पता नहीं क्यों, मतलब अगर चीज आपने रखी है तो इतना डर नहीं होना चाहिए भाई। कम से कम बंदा अभी भी उस अरुण भाई ने वीडियो डाली ना, वो अभी भी उसी चीज में है कि भाई देखो गाड़ी में कमी तो है ही है, जो मैं कह रहा हूँ आज की डेट में ना, तो उस बंदे को भी इतना कॉन्फिडेंस है कि शोरूम से नई गाड़ी निकाल के बैक गेट डाल के ये चीज करोगे ना 2 मिनट में वो गाड़ी भी बोल जाएगी, लेकिन और किसी गाड़ी में इतनी होपिंग कर रही है कि उसकी भी गाड़ी बोल जाए। चलो ये चीज़ मैटर करती है, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा वो हो जाए, मतलब और एक साथ खड़ा होने वाली बात होती है कि साथ खड़ा होना चाहिए, अगर एक मुद्दा उठाया उसके ऊपर भाई रुके रहो, उस पर लगे रहो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो मुझे लग रहा है कि वो प्रैक्टिकली और भी चीज़ें लेके आएंगे शायद, कि इस वजह से शायद अभी वो नहीं कर रहे, उन्होंने वीडियो वगैरह, जब गबरू भाई की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वीडियो हटा लिया अभी, अब वो शायद मुझे लगता है इसका जब हल निकल जाएगा तभी लेके आएंगे वीडियो दोबारा, देखते हैं क्या लेके आते हैं। लेकिन अभी वो भाई हमारा अकेला हो गया, लेकिन तुम्हारा भाई तो
खड़ा ही है सपोर्ट में। अगर महिंद्रा उसको ठीक करके देता है, नीक करके देता क्या नाम है मतलब उस प्रॉब्लम को, भाई इतना दम तो हमारे अंदर है ही, कम से कम हम भाई सारे यहीं से टूल कट्टे में डालूंगा, वहां पे जाके सब कुछ खोल खाल के बैठ जाऊंगा और वहां इतना दम रखता हूँ ठीक करके आऊंगा वहां पे जाके गाड़ी, इतना दम तो तुम्हारा भाई रखता ही है और ठीक करके आगे करके दिखा दूंगा, और अभी कहोगे अभी करके दिखा दूंगा, लेकिन वेट कर रहे हैं सिर्फ अभी महिंद्रा इज्जत से रिस्पॉन्स कर दे, बाकी तो कुछ नहीं है। वो दूसरी गाड़ी थोड़ा लेके आएंगे बैक गेट डाल के दिखाएंगे कि भाई ना ऐसा नहीं हो रहा, ये ना हो रहा, वो ना हो रहा, उस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है, दूसरी गाड़ी दो हाथ में रोड पे खड़ी करेंगे, बैक गेट डालेंगे, इतनी तेज मारेंगे तो हो ही जाएगी भाई। और ये बात ईशान भाई ने और गबरू भाई ने सही बोली थी अपनी वीडियो में कि भाई इतनी होपिंग दूसरी गाड़ियां नहीं कर रही, इतनी होपिंग कर रही है कि भाई पक्का कुछ टोट टाट जाएगा, कुछ ले जाएगी। तो बस एक यही है, चलो जो भी है मैं मानता हूँ कि हाँ गाड़ी में कमी है। दूसरी बात, इससे इंस्टाग्राम का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इतनी किलस नहीं नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ दिवाली के सीजन पे तुम्हारी ज्यादा गाड़ियां बिकनी होगी तो तुम्हें लगा कि या तो ज्यादा ही चीज उठ रही है, और ये अभी 4 करोड़ तो 13 घंटे में गई है, अगले और दिनों में क्या करती है, ये तो फाड़ के रख देती भाई 100-200 मिलियन पार मतलब। तो यही सीन है। अब चलो छोड़ो जो भी हुआ, मैं तो भाई अपने भाई के फुल सपोर्ट में हूँ, और उनके ऐप में से भाई मेरी गाड़ी भी निकली है फॉर्चुनर, और आज दोबारा बनकर तैयार है। जो कमियां मैंने जानी मैंने अपनी बाइक करा ली, तुम्हें तुम्हारी नहीं हो पाई, तुम्हारे नहीं बस की हुई तो तुमने चैनल ही उड़वा दिया भाई, उसने तो मेरा नहीं उड़वाया, चलो अब तुम्हारे बस की ज्यादा होगा ना। तो खैर भाई आज तो वर्कशॉप पे इतना ही था, मैं आज थोड़ी सी ये बातें डिस्कस कर ले, लोग मेरे को कमेंट मैसेज हर चीज़ कर रहे हैं, मैंने ना मैं किसी भी चीज़ के बीच में मुद्दा बना के मैं अपनी दोस्ती यारी खराब नहीं करना चाहता, ना मैं किसी से कुछ करना चाहता, नॉर्मली बस मैंने भी अपना पॉइंट रख दिया जैसे सब रख रहे हैं, ठीक है। तो यही है, मैं तो भाई खड़ा हूँ अपने भाई के पूरे सपोर्ट में, और भाई आज वर्कशॉप पे चल रहे हैं बड़े सारे काम, वो आपको नेक्स्ट डे वाले व्लॉग में पता चलेंगे, मैं काफ़ी दिन हो गए वीडियो डली नहीं, तो कुछ अच्छा अपडेट आपको कर दें। आज हमारे पास आए हैं भाई गाड़ी की हमारी रिव्यू करने सन्नी भाई, क्या हाल है भाई? सन्नी कार भाई, ये सन्नी कार भाई है ना, सन्नी कार भाई है, सन्नी कार भाई के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे गाड़ी का रिव्यू आने वाला, जरा चेकआउट कर लेना बलिनो का। और भाई एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में ली थी लेकिन मैं डाल नहीं पाया क्योंकि मैं ना टेक बहुत लेता हूँ, यही वीडियो में कम से कम 5वीं बार बना रहा हूँ, तो ये है, अब जब डेली वीडियो बना ना तो लगातार डलती रहती है और ज्यादा टेक नहीं लेने पड़ते, लेकिन 3-4 दिन का गैप आता है ना तो फिर भाई बंदा कंफ्यूज हो जाता है। चलो ये तो देखो भाई यहाँ पे खड़ी है भाई, ये ओला की स्कूटी, ये भाई ने लिया स्कूटर, ई स्कूटर है ये, और इसकी खास बात ये है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ 1,07,000 में भाई ने लिया, और इसमें भी कंपनी दे रही है अभी 20,000 रुपए का डिस्काउंट। अच्छा जी भाई 20,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है, मतलब भाई मैं कह रहा हूँ KTM से तेज भागती है, ठीक है, प्रैक्टिकल इतनी है कोई हद नहीं भाई, 87,000 में इससे बेहतर और क्या मिलेगा, मैं तो फैन हो गया यार। और भाई से रिव्यू भी डलवा दिया, अभी और भी गाड़ियों का रिव्यू करेंगे, भाई का ना गाड़ियों का नई गाड़ियों का भाई रिव्यू करते हैं, मैंने इनको सजेस्ट करा कि भाई आप ओनरशिप रिव्यू भी करो, तो भाई ने तो कार्रवाई डाल दी आज अपनी गाड़ी से ही, अब भाई की हर चीज़ को सपोर्ट कर देना, बढ़िया बंदा है। यहाँ देख लो भाई यार स्कूटी पे दिल आ गया, बताओ वहाँ हम एक्टिवा लेके घूम रहे हैं, ठीक है, 1,00,000 पता नहीं कितने की ली थी वो, और एक ये भाई 87,000 की पड़ रही है, ठीक है, कैश में, क्या चीज़ है यार ये, मतलब ना कोई खर्चा ना कुछ, और हेलमेट स्पेस दिखाना एक बार ओपन करना, देखो भाई इतनी स्पेस, यहाँ तो भाई पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, उबेस तो इसमें पता नहीं क्या क्या भर लाएगा भाई, 2 हेलमेट पूरे पूरे आ जाते हैं इसमें, सीन ही है भाई। और वीडियो थोड़ी इसलिए भी नहीं आ रही थी कि मेरा गला वाला सब गया हुआ है अभी इस टाइम ना, बस हीलिंग प्रोसेस पे हूँ, इम्यूनिटी काम कर रही है अपना, दौड़ा रही है सिस्टम सही करने के लिए। तो बाकी भाई यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी और वीडियो के लिए कमेंट कर देना कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं, और भाई जस्ट ये मेरा एक ओपिनियन था, किसी को इसमें कुछ मैंने ना बुरा बोला ना भला बोला, मेरे को ये था कि मेरे को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, सारे भाई हैं खुश मिजाज अंदाजा सबका, अपना मजे में रहते हैं, लेकिन बस जब भाइयों पे दिक्कत आती है तो थोड़ा बहुत तो बोलना बनता है हर किसी का, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और सब्सक्राइब कर देना, मेरी 70% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं कर रखा, व्यूज तो आप 1,00,000 पहुँचा रहे हो मेरे यार, कर देना, ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।